मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के शोर शराबे के बीच सियासी घमासान पूरे चरम पर है। उधर निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए दतिया सिटी कोतवाली पुलिस को देर रात एक बड़ी सफलता मिली है। वार्ड क्रमांक 13 से भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर से पुलिस ने छापा मारकर 82 पेटी से अधिक शराब पकड़ी है। यह शराब मतदान की तारीख से पहले इलाके में बांटने के लिए लाई गई है। जिस भाजपा नेता के घर से शराब बरामद हुई है उसका नाम राकेश कुशवाहा उर्फ टेढ़ा बताया गया है। उसकी पत्नी वार्ड क्रमांक 13 से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। एसटीटी की मदद में हम लोग यहाँ आए थे। राकेश टेढ़ा उर्फ कुशवाहा है, जो जिसकी पत्नी बीजेपी पार्षद है वार्ड नंबर 13 से। उसके घर में अवैध शराब की होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर से एफएसटी टीम के द्वारा छापा मार कार्रवाई की गई। सर्च ली गई तो 82 पेटियाँ शराब की पाई गई, जिन्हें एफएसटी टीम के प्रभारी श्री ओपी तिवारी द्वारा जो जब्त किया गया और जिन्हें अभी तक जो है राकेश टेढ़ा फरार है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। क्या चुनाव में खपाने की पिलाने में? हाँ, चुनाव की दृष्टि से ही आया हुआ था माल था, क्योंकि आदतन शराब बेचने का आदि तो नहीं है राकेश टेढ़ा, तो इसलिए ये संभावना पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकती है कि शराब का उपयोग जो है शराब या चुनाव में वितरण के